Khidmat Centre Association staged protest demanding implementation of job policy by J&K Bank. The protest entered 67th day, alleging that J&K Bank totally failed in keeping promises for recruitment, owing to which 1,204 families are suffering. हमारा जो प्रदर्शन का आज 67th डे चल रहा है हमारे जो फैटर्निटी के एक मेंबर थे जो जिसका नाम था राजेश भाई उसने परसों यहां पे सुसाइड किया है जिसका मुख्य कारण यह है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने हमसे एक वादा किया था आज से 10 साल पहले कि जो भी खिदमत सेंटर्स हैं उनको जल्द से जल्द 4 से 5 एम्प्लॉइज और भी साथ में होंगे और लाखों रुपया वो कमाएंगे लेकिन हमारे पास अभी अपनी फैमिली को शुरू करने के लिए पैसे नहीं है जम्मू कश्मीर बैंक ने हमें इतना मजबूर किया कल हमारे जो एक फैटर्निटी के मेंबर राजेश साहब है उसने खुदकुशी की क्योंकि उसके पास 1,00,000 रुपया कर्जा चुकाने के लिए नहीं था जिसका मुख्य कारण हमारे जेके बैंक के गलत पॉलिसियाँ और जेके बैंक के गलत डिसीजन की वजह से उसकी फैमिली और उस राजेश भाई की मौत है हम पुरजोर अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और माननीय पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह से उन्होंने आज से 10 दिन पहले एक जॉब पॉलिसी का नाम लिया था जो मीडिया में भी आया था जो उन्होंने खुद प्रेस वाइट पे भी दिया था कि हमने जम्मू कश्मीर के जो भी खिदमत सेंटर से उनके लिए एक जॉब पॉलिसी फ्रेम की है लेकिन अभी तक वहाँ से हमें हमारे पास ब्लैक एंड वाइट के रूप में वो पॉलिसी का ड्रॉप हमारे पास नहीं आया। Thank you.